Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoji Srivastav. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. So students, जैसा कि मैंने अपनी last video में बताया है कि post colonial India जो है ये हमारा history CTET के paper second का last chapter है. इसे आज मैं complete करूंगी और इस chapter के completion के साथ ही हमारा CTET का history का part भी complete हो जाएगा. Without wasting time, I'm going to start part 2 of post colonial India. तो चलिए इस पे बात करते हैं और इसे समझते हैं. मैं ये समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट जो हम लोग ने पार्ट वन देखा है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, उसमें हम लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें करी हैं कि उपनिवेश जो था भारतों में या जो अभी तक आधिपत्य रहा था, उसके बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए. क्योंकि इंडिया बहुत लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन से गुजरा है, तो बहुत से ऐसे चेंजेस हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहली चीज जो हम इंडिया पर फोकस कर सकते हैं वो है इंडियन लैंग्वेजेस. भारत क्योंकि एक बहुभाषीय देश है, मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, तो उसके फॉर्म में भी भारत में बहुत से इशू आने लाजमी थे. तो इन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वाज अ मेजर इशू एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब इंडिपेंडेंस हो रही थी, यानी कि जो स्वतंत्रता का समय था, उस समय एक तरीके का मेजर इशू सामने आया था. और इसी के साथ ही उड़ीसा जो था, उड़ीसा वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. जो उड़ीसा था वो पहला ऐसा स्टेट बन के उभरा जो कि भाषा के आधार पे पहला ऐसा स्टेट उभरा ऑन 1st अप्रैल 1936 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मधुसूदन दास, गजपति कृष्णा एंड चंद्रदेव एंड बिकम उड़ीसा प्रोविंस. इस हिसाब से हम देख सकते हैं जो भारत था उसमें लैंग्वेज के बहुत से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं. टेरिटोरियल इंटीग्रेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद क्या टेरिटोरियल इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्या स्टेट होना चाहिए, इट वॉज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग टास्क एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही बहुत से वैरायटीज को रखता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइड द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ओवरऑल लाइफ ऑफ ए नेशन एंड स्टेट. किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी एक तरीके से संपत्ति होती है, जो कि उसकी पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल एवरी एस्पेक्ट पे बात करता है. इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट नीड टू बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड एग्रीड by leaders and masses in general. अगर लोगों के द्वारा कोई परिवर्तन की डिमांड होती है, लीडर्स के द्वारा कोई परिवर्तन की डिमांड होती है, तो we can change in constitution. इसीलिए इसमें amendment होते रहते हैं. तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते बना दिया गया डॉक्यूमेंट, नहीं. इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जिसमें कि समय रहते हुए लोगों की भलाई के लिए, उनकी सहूलियत के लिए इसमें चेंज किया जाता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन एज इन इंडिया और अनरिटन as in Israel, New Zealand and the UK. तो जो constitution है वो written भी हो सकता है और unwritten भी हो सकता है. यहाँ पे हम example देखने को मिल रहे हैं. It contain fundamental law of the land. जो fundamental laws हैं हमारे, वो ये सारे जो constitution है वो अपने आप में contain करता है. Indian constitution is the longest and all the written constitution है. भारत का जो संविधान है वो longest है और सारा का सारा जो constitution है, संविधान, वो लिखित form में हमें देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट, ओवरऑल अब हमने जाके पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जो चैप्टर है हमारा, उसको ओवरऑल हमने कंप्लीट किया है. बट अभी हमें इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और फिर फाइनली इस चैप्टर को हमें खत्म करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पोस्ट कॉलोनियल इंडिया चैप्टर से आ रहा है, वो पूछ रहा है नेम द पार्लियामेंट सॉरी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट जो मेंबर थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे इन चारों में से? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या नेहरू जी या फिर गांधी जी? तो आई थिंक स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जो राजेंद्र प्रसाद थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कमिटीज डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑर्गेनाइज. कितनी कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑर्गेनाइज किया, 22, 23, 24 या 25? तो आई होप इसका राइट आंसर 22 होना चाहिए. आप भी अपने आंसर से इसको चेक करिए.
थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स चैप्टर का, ये पूछ रहा था चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या नेहरू जी थे, या गांधी जी थे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो राइट आंसर होना चाहिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, ये थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका जो संविधान है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, इसराइल, न्यूजीलैंड, इंडिया या यूके। आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा। अभी हमने बात करी इंडिया इज द कंट्री हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आज हमारा सी टैट के पेपर सेकेंड का जो हिस्ट्री का पार्ट रहा है, जो कि एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कवर करता है, वो कंप्लीट होता है। और आई होप आपको काफी कुछ सी टैट से संबंधित मटेरियल अब आपको लर्न टू टीच चैनल पर मिल गया होगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक आप अपने समय को सही से यूज करते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।